मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हम हरे रे पत्ता गोभी के खेत में आए हुए हैं। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कितना सुंदर फूल है गोभी का। ये पत्ता गोभी का फूल है। मैं हूँ संतोष देवी, प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं पत्ता गोभी। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ताजी ताजी खेत से तोड़ेंगे और बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये ले 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 चूल्हा जला दिया है, अब हम कढ़ाई को रख देते हैं। पत्ता गोभी हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। सरसों का तेल डाल देते हैं। एक लाल साबुत मिर्च, थोड़ा जीरा, थोड़ी बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी प्याज कटी हुई, आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। एक छोटी कटोरी हरी मटर के दाने, इनको भी हल्का सा भून लेते हैं। पत्ता गोभी को हमने धोकर साफ कर लिया था और पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लिया था। अब कढ़ाई में पत्ता गोभी को डाल देते हैं।
पत्ता गोभी को अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालते हैं, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला। अब आलू डाल देते हैं। एक बारी कटा हुआ टमाटर, इसमें पानी नहीं डालना है और धीमी आंच पर इसी तरह से बनानी है। अब ढक देते हैं। अब 10 मिनट बाद पत्ता गोभी को चेक कर लेते हैं। पत्ता गोभी बन चुकी है। अब थोड़ा हरा धनिया काट कर डाल देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अब चूल्हे पर धान की और गेहूं के आटे की रोटी सेक लेते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, पत्ता गोभी के साथ धान की रोटी गर्मा गर्म खा लो। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। Bye-bye.